जैसलमेर के सांगर थाना क्षेत्र की सागरा गांव में एक पाक विस्थापित दंपति की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों खेत में काम कर रहे थे, इस दौरान बिजली का पोल गिरने से करंट फैलने से फोटाराम और उम्र 35 वर्ष चपेट में आ गया। फोटाराम को बचाने गई पत्नी धादली देवी उम्र 32 वर्ष पति के साथ करंट की चपेट में आ गई। दर्दनाक हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। रिश्तेदारों ने सांगर थाना पुलिस को जानकारी दी। सांगर थाना पुलिस दंपति के शवों को लेकर जवाहर हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पार्षद नरसिंह और मतका के रिश्तेदारों ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और घटना की सही जांच करने के साथ ही खेत मालिक और बिजली विभाग को मौके पर बुलाकर मुआवजे की मांग की। तब तक शव नहीं उठाने की बात पार्षद नरसिंह ओर ने कही। जानकारी के अनुसार मृतक दंपति पाक विस्थापित है और 17 महीने पहले ही भारत आए थे। मृतक दंपति के 5 छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 13 साल का है, जो फिलहाल पाकिस्तान में ही है। उसे भारत का वीजा नहीं मिल पाया है। अन्य 4 बच्चे इनके साथ ही रहते हैं। मृतका धागली के भाई राजचंद ने बताया कि हादसे के समय फोटाराम आर ट्रैक्टर से खेत की बुआई का काम कर रहा था। इस दौरान खेत में खड़ा बिजली का पोल ट्रैक्टर पर गिरा और बिजली के पोल में लगे तार ट्रैक्टर चला रहे फोटाराम पर गिरे, जिससे करंट लगने से फोटाराम चिल्लाने लगा। पति की चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही में काम कर रही उसकी पत्नी धादली देवी पति को बचाने दौड़ी। इस दौरान वो भी तारों की चपेट में आ गई। रायचंद ने आगे कहा कि बिजली का पोल केवल रेत में 2 फीट ही अंदर लगा हुआ था, ना तो उसका कोई फाउंडेशन बनाया हुआ था, ना ही कोई पत्थर आदि से उसको पक्का किया गया था। ट्रैक्टर चलाते समय जैसे ही खेत की मिट्टी की बुआई के समय तवी की जा रही थी, उसी दौरान मिट्टी में धसा बिजली का पोल ट्रैक्टर पर गिर पड़ा। इसमें बिजली विभाग की साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। बिजली के पोल को सही से नहीं लगाया गया था, जिससे कि यह हादसा हुआ। रायचंद ने आगे ये भी कहा कि ट्रैक्टर बिजली की पोल से रखाया और ना ही कुछ हुआ, और फिर बिजली का पोल कैसे गिर गया। रायचंद ने खेत पर मजदूरी पर लगाने वाले भोजराज सिंह पर ट्रैक्टर चलाने के लिए देने का आरोप लगाया है। उसने ये भी बताया कि मजदूरी के नाम पर भोजराज सिंह ने उसे ट्रैक्टर सौंपा, जिससे कि मजदूरी करने वाले फोटाराम को ज्यादा जानकारी नहीं होने से यह हादसा हुआ। परिजनों ने मुआवजा दिलवाने की मांग की है, साथ ही लापरवाही करने वाले लोगों पर मामला दर्ज करने की भी मांग की है। हाँ, ये मेरे बहन और बहनों ही थे, पाकिस्तान के अभी आए 16-17 महीने हुए। एक बच्चा पाकिस्तान में, बाकी 4 बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर साथ में। 2-3 बार वीजा अप्लाई करे, वो नहीं है, 13 साल का वहाँ पर है। ये ट्रैक्टर की खड़ाई कर रहा था ट्यूबवेल में, एक बार खड़ाई करके गया, पोल था इतना सा नीचा जमीन में, खड़ाई करके वापसी दूसरे राउंड में आ रहा था, जमीन थोड़ी हिली, वो ढबे पर था पोल, ऊपर आ गया, सब आयरन में ट्रैक्टर भर गया। फिर मेरी बहन की छोटी बचाने के लिए वो ही पकड़ी मैं, छोटी बच्ची जाने वाली मेरे पापा ने पकड़ ली। अब क्या मांग है आपकी? मांग ये जागीदार से, हमारा फसल भी 3-4 लाख है वहाँ पर, हम नहीं भी ले सकते, जो ऊपर वो देने उसको धन्यवाद, छोटे छोटे बच्चे किसकी मोहताज नहीं हो, यही हमें रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन जो करेगा वो ही, अभी क्या करे, आधार कार्ड है नहीं, पासपोर्ट है, उसमें जो पासवर्ड करना होगा वो करेगा। वो अभी 17 मेरी तो अभी नहीं, मैं 16 में आया हूँ, ये अभी 17 महीने मेरे बहन बहन मैंने बुलाए थे।